यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत का यह आंकड़ा आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आजमगढ़ में 28.60% मतदान अब तक हो चुका है। साथ ही बता दें कि जौनपुर में अब तक 26.81% वोटिंग होती हुई नजर आई है। वहीं बात कर लेते हैं मछली शहर की, तो 11 बजे तक 27.18% मतदान अब तक हो चुका है। भदोही में 11 बजे तक 25.51% वोटिंग होती हुई नजर आई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बता दें कि आज सुबह 11 बजे तक यूपी में 27.60% मतदान हो चुका है। सुल्तानपुर में 11 बजे तक 28.05% वोटिंग होती हुई नजर आई है। वहीं बात कर ले प्रतापगढ़ की, तो 11 बजे तक 26.35% मतदान अब तक हो चुका है। फूलपुर में 11 बजे तक 22.85% वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाहाबाद में 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा सामने है, 23.88% वोटिंग हो गई है। अंबेडकर नगर में 11 बजे तक 30.02% मतदान होता हुआ अब तक नजर आया है। वहीं श्रावस्ती की बात कर ले, तो 11 बजे तक 26.69% मतदान हो चुका है। डुमरियागंज में 11 बजे तक 27.74% मतदान होता हुआ नजर आया है। बस्ती की बात करें तो 11 बजे तक 29.80% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, संत कबीर नगर में 11 बजे तक 27.35% वोटिंग हो गई है। लालगंज में 11 बजे तक 28.40% मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में 11 बजे तक 28.60% मतदान होता हुआ नजर आया है। जौनपुर की बात कर ले तो 26.81% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मछली शहर में 11 बजे तक 27.18% मतदान होता हुआ नजर आया है। भदोही में 25.51% वोटिंग हो चुकी है। यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर लगातार सुबह से मतदान जारी है और 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है वो आपके सामने है, 27.60% मतदान अब तक यूपी में हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आज छठे फेज की ये वोटिंग सुबह से ही जारी है और 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत का आंकड़ा भी सामने आ चुका है।